हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पेप्सी में, तो आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे वरुण बेवरेजेस के। ऐसे ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है डोमिनोज में या फिर डंकिन डोनट्स में, तो आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे जुबिलियंट फूड के। एंड अगर आपको इन्वेस्ट करना है मैकडी में, तो आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के। ऐसे ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है बर्गर किंग में, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इनका आईपीओ आने वाला है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है ब्रांड्स लाइक KFC, पिज़्ज़ा हट, टाको वेल एंड कोस्टा कॉफ़ी, तो उसके लिए आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे देवयानी इंटरनेशनल के, जो ना ही तो लिस्टेड है एंड ना ही ऐसी कोई न्यूज़ आई है दैट देवयानी इंटरनेशनल भी अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो टेक्निकली आप KFC, पिज़्ज़ा हट, टाको वेल एंड कोस्टा कॉफ़ी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा पेप्सी हो गई, डंकिन डोनट्स, डोमिनोज, बर्गर किंग, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्गर किंग के आने वाले आईपीओ के बारे में। मैं हूं प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवंबर 2019 में बर्गर किंग ने DRHP फाइल किया था सेबी के पास। उस टाइम आईपीओ साइज था 400 करोड़ का। रिसेंटली बर्गर किंग ने एक एडेंडम फाइल किया है एंड अपने इशू साइज को इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 400 करोड़ टू 542 करोड़ का। कंपनी 542 करोड़ रुपीज का करेगी क्या, उसका यूज कैसे करेगी? तो उन्होंने एडेंडम में ही बताया है, सबसे पहले 162 करोड़ ये लोग यूज करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग डेट्स की रीपेमेंट के लिए। 270 करोड़ रुपए से ये लोग बर्गर किंग के नए आउटलेट्स ओपन करेंगे एंड उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को ये लोग यूज करेंगे जनरल खर्चों में, स्टोर्स को चलाने के लिए। DRHP में ही इन्होंने बताया है दैट बर्गर किंग के एक आउटलेट को ओपन करने के लिए इन्हें 2.83 करोड़ रुपीज चाहिए होते हैं। तो नॉर्मली 270 करोड़ से ये अप्रोक्सीमेटली 100 नए बर्गर किंग के आउटलेट्स ओपन कर पाएंगे। आज की डेट में इनके आउटलेट्स हैं 261, इसके बाद इनके आउटलेट्स हो जाएंगे 361 के अप्रोक्सीमेटली। आइए थोड़ा सा और जानते हैं बर्गर किंग के बारे में। बर्गर किंग के 18,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। बर्गर किंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR चेन है। ये QSR चेन क्या होता है? फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एनालिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि लग्जरी डाइनिंग, कैजुअल डाइनिंग, कैफेज, बार, पब्स एंड QSR कैटेगरी, बेसिकली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो बर्गर किंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR चेन है, जो कि ग्रो कर रही है एट द रेट ऑफ 65% पर एनम के हिसाब से। एंड इन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी नवंबर 2014 में, जब इन्होंने दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में अपना पहला आउटलेट ओपन किया था। उस दिन से लेकर आज की डेट में इनके इंडिया के अंदर 261 आउटलेट्स हैं, जिसमें से 8 आउटलेट्स हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पर। अब अगर आपको बर्गर किंग को किसी और कंपनी से कंपेयर करना है कि इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, तो आपके हिसाब से कौन सी बेटर कंपनी होगी? नो डाउट मैकडी इज द परफेक्ट कंपेरेबल। तो आइए देखते हैं मैकडी के कंपेयर में बर्गर किंग कहां पर स्टैंड करता है। अक्रॉस द ग्लोब बर्गर किंग के मोर देन 18,000 आउटलेट्स है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैकडी के आउटलेट्स देखेंगे, तो उनके टोटल आउटलेट्स अक्रॉस द ग्लोब होंगे अप्रोक्सीमेटली 35,000। अगर आप ब्रांड वैल्यू वाइज कंपेयर करेंगे, तो मैकडी बर्गर किंग से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बड़ा ब्रांड है बिकॉज ऑफ देयर अदर फैक्टर्स। मैकडी इंडिया में एंटर हुआ था 1996 में। ऑन द अदर हैंड बर्गर किंग इंडिया में एंटर हुआ था नवंबर 2014 में। अगर आप एसेट टर्नओवर की बात करोगे, तो मैकडी का एसेट टर्नओवर बर्गर किंग के एसेट टर्नओवर के हिसाब से काफ़ी बेटर है। दैट मीन्स मैकडी अपने एसेट्स को अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहा है एज कम्पेयर टू बर्गर किंग। एंड बर्गर किंग नया ब्रांड है, तो मे बी ये रेशो फ्यूचर में इम्प्रूव हो जाए। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो मैकडी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ऑन दी अदर हैंड बर्गर किंग लास्ट के 3 साल से लॉस ही करता आ रहा है। एंड अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को डिटेल में देखेंगे, तो इनको लॉस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। इस आईपीओ के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, डेप्रिसिएशन और बढ़ेगा बिकॉज ये अभी और स्टोर्स खोलेंगे। और अगर आप इविट्टा देखोगे, तो बर्गर किंग का मैकडी के कंपेयर में ज़्यादा बेटर है। एंड अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, तो मैकडी इंडिया में एंटर हुआ था 96 में, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं एंड इन्होंने एक पोजीशन अटेन कर ली है। अब ये एक स्टेबल ग्रोथ रेट पर ग्रो कर रहे हैं 19% पर एनएम के हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड बर्गर किंग की ग्रोथ रेट है 65%, विच इज़ वे हायर देन मैकडी। एंड साथ ही साथ बर्गर किंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR चेन में से एक है।
अगर हम चॉइसेस की बात करें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप बर्गर किंग के आउटलेट में एंटर करोगे तो आपको मिलेंगे 13-14 टाइप्स के बर्गर, दो तरह के रैप्स मिलेंगे, 7-8 टाइप्स की आपको फ्राइज मिलेंगी, 17-18 टाइप्स की आपको बेवरेजेस मिलेंगी एंड 9-10 टाइप्स के आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, जो कि मैकडी के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। तो ये एक ब्रीफ कंपैरिजन था बिटवीन बर्गर किंग एंड मैकडी का। अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये है आपका पर्सनल डिसीजन। एंड इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है, तो आईपीओ से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आईपीओ कभी भी मार्केट में सस्ते लॉन्च नहीं होते, बिकॉज इनके पीछे एक प्रोफेशनल टीम होती है। ऑन दी अदर हैंड, देर इज़ नो बैड टाइम टू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी। बर्गर किंग भी उसी तरह की एक कंपनी है। ये एक ब्रीफ था बर्गर किंग के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।